मेरा कोई फायदा है तुम्हारा? कमरा शमरा साफ हो गया, पानी छानी ले आई, चाय वाय पिला दी, इसके अलावा क्या फायदा है मुझे तुम्हारा, बताओ। अच्छा रूप नाराज तो ना हो यार, अच्छा रूप शादी में मुंह बना के बैठे होंगे, अच्छा अच्छा नहीं लगेगा रूप, वो सारे क्या सोचेंगे कि यार ये लड़के आए हैं रूप। इधर आओ, वो स्टेज पे कुछ पैसे वगैरह पड़े हुए हैं, 10-10 रुपए, जाओ जमा करके लाओ। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। हमला जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। और यार दोबारा से आपका भाई जो है रेडी हुआ हुआ है, ठीक है, शलवार कमीज पहन के शादियों में जाने को रेडी है। आज क्या है भाई? आज मेहंदी है। आज मेहंदी है इकरा और अरीब की। तो इकरा अरीब ने जो है ना मुझे ये कपड़ा भेजा है कि डकी भाई इसकी जो है ना आपने शलवार कमीज रेडी करवा लेनी है, जो हम लोगों ने जो है ना मेहंदी में पहननी है। तो अभी अभी मैं लेके आई हूँ दर्जी से, और साथ को पूरी भी आ गई माशाल्लाह। मैंने कहा था 1-2 इंच जरा लूज रखना, मेरा आपको शोहर मोटा। एनीवेज वेलकम बैक, ओके तुम सब गए ना तो व्लॉग के अंदर। अगर अभी तक तुम लोगों ने डकी भाई व्लॉग एंजॉय नहीं किया हो तो कर लो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। ओए आज टेंट के साथ ही ना चले जाएं, टोपी के बगैर चले जाते हैं रूप। चलो शुगल हो जाएगा। कमरे में जो है ना खलारा भी बहुत है, लेकिन कोई बात नहीं, वापस आके साफ कर लेंगे, क्योंकि हम लोग जो है ना पहले ही बहुत ज्यादा लेट हो रही हैं। कर लेंगे या करवा लेंगे ना रूप, तुम्हें किससे ले रखा है मैंने, तुम्हें बताऊं, मुझे बताओ। इसके अलावा तुम्हारा मेरा कोई फायदा है? तुम्हारा कमरा शमरा साफ हो गया, पानी छानी ले आई, चाय वाय पिला दी, इसके अलावा क्या फायदा है मुझे तुम्हारा, बताओ। अच्छा रूप नाराज तो ना हो यार, अच्छा रूप शादी में मुंह बना के बैठे होंगे, अच्छा अच्छा नहीं लगेगा रूप, वो सारे क्या सोचेंगे कि यार ये लड़के आए हैं रूप। अच्छा रूप बात तो सुनो, तुमसे तो चला भी नहीं जा रहा इतना बड़ा ड्रेस लेके। आओ निकले भाई, अरूप सेविक तुम्हें गिफ्ट करना तो बहाना था, असल में मुझे चलाने का दिल कर रहा है इसलिए मैं सेविक वापस ले आया भाई। एक तीर से दो निशाने किए मैंने, आओ जी लेट्स गो। गजब तू भी आज आदमी, ओए होए होए होए, तुम गाड़ी क्यों चलाते हो यार, मेरी गाड़ी लेके घूमते रहते हो। अरूप तुम्हारी गाड़ी अब लग भी जाए तो कोई इशू नहीं यार, अब मैं देखो ना, अब जिस तरह से मैंने चलानी होती है बदतमीजी से, तो फिर तुम्हारी गाड़ी लग भी जाए तो कोई इशू नहीं ना, अब ऑडी तो नहीं ना मैं ठोक सकता, तुम्हारी सेविक कहीं भी लग जाए कोई इशू ही नहीं है भाई। कितने तुम बदतमीज हो, आज के बाद तुम हाथ लगा के दिखाओ इसको। A few inches later. एंट्री हो भी गए हैं, बहुत लेट पहुंचे हैं भाई। वेन्यू में हम लोग एंटर हो गए थे एंड खाने के टाइम, ठीक है, हमारे साथ जो है हमजा भाई भी हैं, लंबे रोटी रोटी खुल गई है, ठीक है, माहौल भी देख सकते हो, बड़ा मजे का जो है ना डेकोर हुआ है, सामने जो है डांस फ्लोर है और वहाँ पे जो है बंगला शंगरा शायद डालेंगे हम। ओए ये लो जी चावल तुम डालो, साग मैं डाल लेता हूँ भाई। देखो लोग साग में तेल डालते हैं, इन्होंने तेल में साग डाला थोड़ा सा है। पालक मजेदार, मजा आ गया भाई, क्या टेस्ट है। हाँ, बहुत मजेदार। तो अभी जो है सामने होने वाले हैं डांस परफॉर्मेंसेस स्टार्ट, बत्तियां शत्तियां ऑन हो गई हैं, ठीक है, लोग रेडी हो गए हैं डांस डूंस करने के लिए। मैं भी ना घुस जाऊँ अंदर, 10,000 रुपए दूंगी अगर तुमने अंदर घुस के उनके साथ डांस। लाख रुपए दो, मैं खुद ही उनके साथ अंदर घुस के डांस करना शुरू कर दूंगा। देने पहले लाख दिखाओ मुझे, ये फंस गया। व्लॉग में लूं ये पैसे तो दो, पहले फीस लगती है व्लॉग में आने की, पैसे दो ना, एक नोट दे दो यार, एक नोट तो दे दो ना यार। हाँ जी पैसे, दिस इज बिजनेस। तुमसे पूछ के चलाने मैंने पटाके हैं, पैसे तुमने मुझे दिए नहीं, बातें सुनाई जा रही हो तुम मुझे। चुप कर बे कुत्ते,
कुछ सारी दुनिया। इधर 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 वो स्टेज पे कुछ पैसे वगैरह पड़े हुए हैं 10-10 रुपए, जाओ जमा करके लाओ, जमा करके लाओ, जमा करके लाओ, फटाफट फटाफट। हाँ जाओ तुम भी जमा करके लाओ, जमा करके लाओ, वो कुछ नोट वगैरह पड़े हुए हैं, जाओ। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ भाई। वो तो टीवी उठा के लेके आया हुआ है, स्क्रीन उठा, टीवी उठा के ले आया हूँ सेल्फी के लिए। ज़ैनब कहाँ खोई हुई हो यार? मैं आगे में क्या जा सकती हूँ, आज इतना ज्यादा क्राउड था कि मैं क्या बताऊँ, और मेरा सर एकदम दमदम करके घूम रहा था। तुम्हें मैंने देखा नहीं पूरे इवेंट पे, कहाँ थी? मैंने आप लोगों को देखा था, आप दोनों अंदर आ, लेकिन मिलने नहीं आई तुम। आप दोनों अंदर आ रहे थे। आओ जोर की छप्पी, दूर की छप्पी। हेरा बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो। तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। नजर डाल लेना अपनी, चिपक राइट कपड़ा। मेरी गाड़ी मुझे अच्छा लगा। आपने इसको क्या करना है, इस चैनल को लाइक। मैं उस गाड़ी को, मैं उस गाड़ी को पूरा पिंक करा रही हूँ। सुबह वाला नहीं, मुझे सुबह दिखाया था, थोड़ा और मॉडिफाई करना अलग से, पूरा पिंक कर देना, ब्लैक नहीं कर। डन डन डन। और फॉर्च्यूनर को भी कर देना। ऐसा कर देना कि, ऐसा कर देना कि डक्की भाई अंदर ही ना बैठे। बच्चे कह रहे हैं तो मेरी गाड़ी में नहीं बैठ सकते। इन बच्चों को मैं देख लूंगा बाहर। अच्छा हम भी देख लेंगे इसको। हेलो, तुम तो मुझे पूरे इवेंट पे अपने लिए। हाँ, इतना अच्छा डांस देखा ना, तुमसे तो क्लासेस लेनी पड़ेंगी। नहीं नहीं नहीं, इतना मैंने सिर्फ ये कोई एक महीने में तैयार किया था और बहुत अच्छा था। और देखो जॉगर्स पहन के किया है। मैंने कहा इसीलिए मैं गिरे नहीं हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। नहीं वैसे जेन्युइन मजा आया एंट्री का भी। हम असल में पीछे से देख रहे थे एंटर होते हुए। रिक्शा पकड़ के कहाँ से लाए थे आप लोग? क्या रिक्शा कहाँ से पकड़ के लाए थे? रिक्शा। अच्छा आज ही? आज ही हुआ, आज ही रिक्शा हुआ है भाई। चलो यार, ओके यार, क्या रखो, टेक केयर ब्रो, थैंक यू फॉर हैविंग अस। इंशाल्लाह बड़ा मजा आया, डांस परफॉर्मेंसेस भी आपके, एंजॉयड अ लॉट, टेक केयर। अच्छा अच्छा अपना कर जाके रेस्ट करो, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। टेक केयर, टेक केयर हीरा। 1 hour later। तो यार मेहंदी से फारिग होके घर वापस आ गए थे। यहाँ पे मैं ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के डक्की बाय ब्लॉगिंग को ज्वाइन कर। हाँ कर फ्री हो? हाँ बताओ। मैंने गाड़ी पिंक कराने जाना। अरूप, अगर तुमने गाड़ी पिंक का नाम लिया फिर क्यूट लगेगी। अरूप शट, आई डोंट वांट यू टू सिट इन दैट कार। शट अप, अगर तुमने गाड़ी पिंक का नाम लिया। Shit! भाई कोई सी गाड़ी हमने ना पिंक करने देनी है, ना इसको व्हाइट करने देनी है, जैसी है वैसी ही रहेगी। अगर तुमने ना किया, मैं इसे किसी और बंदे को कह दूंगी जो मुझे ठगेगा। तुम्हें पता है हमें ज्यादा पैसे लेंगे, तो चुप करके मेरे साथ शराफत से चलो। बात तो सही है भाई। तुम लोग नीचे कमेंट किया, मतलब बताओ कि क्या अरूप को अपनी सिविक पिंक करवानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। चुप, जो लोग कहेंगे वैसे करेंगे, क्योंकि पिंक गाड़ी फजूल लगती है, लोगों को भी पता है। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, रैप नहीं हम करवा रहे, हम अंदर इंटीरियर को पिंक करा रहे हैं। मुझे सजेस्ट करो कि करवाएं या नहीं। पिंक और व्हाइट कितनी अच्छी थीम लगी। नहीं, बेज और पिंक, जल्दी से बताओ। शट अप, निकल भाई। तुम लोग नीचे कमेंट में लाजमी बताना, ठीक है? लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के डक्की बाय ब्लॉगिंग को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं कल। आप तो